आज का हमारा टॉपिक है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो ये डिवाइस करता क्या है, ये इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। जब तक के मतलब कंप्यूटर ऑन रहे या ऑफ रहे, इंफॉर्मेशन को ये परमानेंटली स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक मीडिया को यूज करता है इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करने के लिए। जीरोज एंड वन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन इस हार्ड डिस्क के ऊपर में स्टोर होती है। ठीक है, ये देखिए इस हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, स्पिंडल दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं प्लेटर, या फिर इसी को डिस्क कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा आर्म लगा रहता है, यहाँ पर रीड एंड राइट हेड लगा रहता है। ठीक है, इधर में ये एक्सिस लगा रहता है, ये एक्टिवेटर लगा हुआ रहता है, यहाँ पर ये सारे पोर्ट्स होते हैं। तो ये इसका इस तरीके का एक डायग्राम होता है, इस तरीके की हमारी हड्डी दिखती है अगर हम इसको ओपन करते हैं तो। ठीक है, तो ये जो हड्डिक्स हैं, दुनिया की पहली हड्डिक्स, मतलब अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी वाइज तो 5 MB की बनी थी। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया 10 MB की, तो 10 MB की पहली जो हड्डिक्स है 1981 में बनाई थी। किसने बनाई थी? IBM ने बनाई। ठीक है, IBM ने इंट्रोड्यूस किया था इसके XT कंप्यूटर के लिए, और इसका साइज था 10 MB का। देखिए ये हार्ड डिस्क है एक्चुअली, ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी कोई मशीन है। मशीन मतलब ये एक हार्ड डिस्क है जो 10 MB साइज की थी। ठीक है, और इसका इस्तेमाल स्टोरेज के लिए किया जाता था। ठीक है, तो अभी जो हम करंट मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न इसमें हम लोग जो हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, कौन सी हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं? पाटा को हम IDE बोलते हैं, मतलब पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 40 पिन्स की हार्ड डिस्क होती है। इसको हम मोलेस कनेक्टर का यूज़ करते हैं, मतलब पावर देने के लिए। इसके RPM 5400, 6400, 7200 होते हैं। ठीक है, और ये देखिए ऐसा इस तरीके का इसका डेटा केबल होता है, और इस तरीके का इसका पावर केबल होता है। साथ साथ में इस हार्ड डिस्क का जो ट्रांसफर स्पीड होता है, डेटा ट्रांसफर रेट होता है 6600 133 MBPS, मतलब मेगाबिट पर सेकंड से लेके 3 GBPS गीगाबिट पर सेकंड तक के होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा इसका ट्रांसफर रेट होगा हार्ड डिस्क का, उतनी हार्ड डिस्क की जो स्पीड जो होगी रीड एंड राइटिंग वो फास्ट होगी। तो इसका इतना था। ठीक है, उसके बाद में इसका जैसे लुक देखेंगे, ये जो हार्ड डिस्क है ये इस तरह की दिखती है। देख रही है, हार्ड डिस्क को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि पाटा है या कोई अदर हार्ड डिस्क है, तो आपको ये देखना है। देखिए इसमें आपको पिन दिख रहे हैं, एक्चुअली 40 पिन्स है टोटल। यहाँ पर जम्पर लगते हैं और इधर में ये पावर कनेक्टर मतलब मोलेस कनेक्टर लगता है। तो ये आप पिन से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या है, हार्ड डिस्क है हमारी पाटा की। ठीक है, अब साटा क्या है? साटा मीन्स सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये पिनलेस हार्ड डिस्क होती है, साटा मोलेस कनेक्टर के थ्रू इसको पावर दिया जाता है। इसके RPM 7200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका जो ट्रांसफर रेट होता है 150, 300, 600 MBPS से लेके 6 GBPS तक के होता है। ठीक है, मतलब जो पाटा की हार्ड डिस्क है उससे ये डबल स्पीड की हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, दिख रहा है 6 GBPS गीगाबिट पर सेकंड तक के इसका ट्रांसफर रेट होता है। तो करंटली लैपटॉप डेस्कटॉप में आपको यही हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी, पाटा हार्ड डिस्क वैसे भी आउटडेटेड हो चुकी है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क देखिए ऐसा लुक दिखेगा, ये पावर केबल होता है साटा का और ये होता है डेटा केबल। ठीक है, अब देखते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसी को हम बोलते हैं पोर्टेबल हार्ड डिस्क, इसी को बोलते हैं हम लोग USB हार्ड डिस्क, है ना। USB हार्ड डिस्क का जो मैकेनिज्म होता है लाइक साटा हार्ड डिस्क ही होता है। ये हार्ड डिस्क साइज में छोटी होती है, और ये हार्ड डिस्क हम अपने लैपटॉप में भी अटैच कर सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर में ऐसा कवर लगाया जाता है। बाकी जो फंक्शंस जो है इसके, इसका जो जो मैकेनिकल जो पार्ट जो होता है, मैकेनिज्म जो होता है, वो लाइक सेम मतलब अदर हार्ड डिस्क होता है, साटा और पाटा के समान ही आपको ये दिखता है। ठीक है, और इसके बाद की जो हार्ड डिस्क है जिसको हम फास्टेस्ट हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, वो है SSD हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। ये जो हार्ड डिस्क जो है बाकी हार्ड डिस्क के समान ये रोटेट नहीं होती, मतलब इसके अंदर में कोई भी टाइप का मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, और इसका जो ट्रांसफर जो रेट होता है ये बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई स्पीड में ये हार्ड डिस्क वर्क करती है। इसके अंदर में प्लेटर होता ही नहीं है। ठीक है, और इसके में जो पावर कनेक्टर जो लगेगा वो मोलेक्स ही लगेगा, डेटा केबल साटा का लगेगा डेटा केबल। इसका एक्सेस स्पीड 6 GBPS तक के है, उसके प्लस पे भी आपको मिलेगा, और आप देखोगे तो ये इस तरीके की दिखेगी। देखिए नॉर्मल हार्ड डिस्क जहाँ पर प्लेटर है, हेड है,
ये लगा हुआ है, यहाँ पर जस्ट ऐसी आइसिस लगी हुई है, इसके ऊपर में हमारा डेटा स्टोर होता है, इसके कारण इसका परफॉर्मेंस बहुत ही हाई होता है। और रिडंडेंसी होती है, अगर गिर भी गई हार्ड डिस्क तो भी ये टूटेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, पर ये हार्ड डिस्क जरा सी थोड़ी सी अगर गिर गई तो भी इसका जो हेड है वो क्रैश हो जाएगा, प्लेटर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए आज जो अल्ट्रा बुक्स जो होते हैं वो उसमें, और कुछ ऐसे डेस्कटॉप पीसीज आए हुए हैं, या फिर अगर एप्पल की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको एसएसडी हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में आती है सर्वर हार्ड डिस्क, जिसको हम बोलते हैं SCSI, या फिर हम बोलते हैं स्कजी हार्ड डिस्क। तो ये स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हार्ड डिस्क होती है, ये हार्ड डिस्क जो होती है स्पेशली हाई लेवल कंप्यूटर के लिए यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं सर्वर। ठीक है, और ये हॉटस्वैप हार्ड डिस्क होती है, हॉटस्वैप का मीनिंग होता है कि ऑन कंप्यूटर को आप हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हो और आप उसको निकाल सकते हो। ये पिनलेस भी होती है और विद पिन भी आती है, अगर पिन में 50 से 70 पिन्स की होती है, और पिनलेस लाइक 60 आपको देखने को मिलेगी। 6 Gbps इसका स्पीड होता है एक्सेस, और 10,000 से लेके 15,000+ इसके RPM होते हैं, रोटेशन पर मिनट होता है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क देखिए इस तरीके की आपको देखेगी, ये पिन वाली हार्ड डिस्क ऐसे है, और पिनलेस देखेंगे तो ये लाइक देखो साटा दिख रही है, और डिफरेंस क्या है कि साटा में यहाँ पर गैप नहीं होती, सॉरी साटा में यहाँ पर गैप होती है, बट इसमें SCSI में यहाँ पर गैप नहीं होती, ऐसे लगी हुई रहती है, एक ही केबल से पावर एंड डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसी को SAS या फिर SAS हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हार्ड डिस्क क्या है ना। तो हार्ड डिस्क क्या है, एक मेन डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, इसमें हमारा डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। ठीक है, अब देखिए कि हार्ड डिस्क जब हम परचेस करते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर में एक भी पार्टीशन नहीं होता, एक सिंगल हार्ड डिस्क आती है, अनअलोकेटेड स्पेस आती है। फिर हम लोग बनाते हैं पार्टीशन, OS की CD यूज करके या कुछ टूल का इस्तेमाल करके हम पार्टीशन बनाते हैं। तो पार्टीशन मतलब क्या होता है, पार्टीशन ही एक प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क की जो फिजिकल जो स्पेस है उसको लॉजिकल डिवाइड करना, मतलब लॉजिकल डिवाइडिंग करने की प्रोसेस को ही बोला जाता है पार्टीशन। तो हमारे जो कंप्यूटर है, मतलब जो हार्ड डिस्क है, उसके अंदर में हम लोग 3 टाइप के पार्टीशन बना सकते हैं। एक होता है प्राइमरी, जैसे कि मेन पार्टीशन होता है, इसी के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होते हैं, और होता है एक्सटेंडेड एक, जिसके ऊपर में लॉजिकल पार्टीशन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे पार्टीशन बन गए, पार्टीशन बनने के बाद हमको करना पड़ता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस होती है, ये फाइल सिस्टम बनाने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम ये जो सिस्टम के अंदर में जितने फाइल्स एंड फोल्डर बनते हैं वो किस टाइप से बनेंगे, किस टाइप से उसके अंदर में डेटा स्टोर होगा एंड रिट्रीव होगा, उसी को हम लोग फाइल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और देखिए फैट होता है, FAT32 होता है, NTFS, ये फाइल सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो फॉर्मेटिंग क्या है, इज अ प्रोसेस टू क्रिएटिंग फाइल सिस्टम ऑन द पार्टीशन। एंड व्हाट इज फाइल सिस्टम, अ फाइल सिस्टम टेल्स हाउ द फाइल्स एंड फोल्डर टू बी क्रिएटेड और स्टोर्ड एंड रिट्रीव ऑन द पार्टीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। वैसे आगे के जो बाकी के जो चैप्टर्स है, जैसे हाई लेवल फॉर्मेटिंग, लो लेवल फॉर्मेटिंग, ऐसे आगे में हम लोग कुछ और भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर में मैं सब कुछ कवर करूंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने आपको बताई है ये आपको जरूर समझ में आई होगी, है ना। तो क्या पढ़ा अभी हमने हार्ड डिस्क के बारे में, कि हार्ड डिस्क क्या है, एक ऐसा एक मेन डिवाइस है कंप्यूटर का, और जो इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर में स्टोर करके रखता है परमानेंटली, चाहे कंप्यूटर ऑन रहे या ऑफ रहे। तो इसके टाइप कितने हार्ड डिस्क के, हार्ड डिस्क के टाइप है पाटा, साटा, SCSI, SSD एंड USB। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए बाकी वीडियोस और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।